मजा आ गया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। तो भाई आज दिन है जुम्मे का और कराची वालों के लिए जुम्मे का दिन मतलब बिरयानी। और जितने भी लोग मुझे पुराने जानते हैं तो सबको पता है कि भाई आपका भाई बिरयानी लवर कम पुलाव लवर बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। और गुलशन हदीर के अंदर कोई भी नया बंदा जब पुलाव की दुकान खोलता है तो आपके भाई के नाक तक खुशबू आ जाती है कि भाई यहाँ पे पुलाव आ चुका है, अब आप कब ट्राई करने जा रहे हो। अब ट्राई तो शुरू से कर देते हैं बट फूड के ऊपर व्लॉगिंग बनाना अब स्टार्ट किए। बात बता रहा हूँ वहाँ की, जहाँ पे मेरा बचपन हो गया, कोई और नहीं, ये वही नाम है जहाँ हमने रात और दिन और रात तो मैं नहीं बोलूँगा रात और रात ही खाना खाया है, क्योंकि दिन के आइटम होते नहीं थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से उन्होंने दिन के आइटम भी रखना स्टार्ट करे। आइटम की बात की जाए तो उन्होंने बीफ बिरयानी, बीफ पुलाव, बीफ कौरमा और निहारी रखी है। अच्छा, वैसे तो बड़ा सख्त लौंडा आपका भाई इन खानों के मामले, बट जहाँ बात आती है बीफ पुलाव की यहाँ पे आपका भाई पिघल जाता है। और बात हो रही हो जहाँ आपका बचपना गुजरा, तो उन्होंने क्यों ना बचपन की यादों को ताज़ा किया जाए और एक बार फिर से अपने ठीक घर के सामने वाली मस्जिद दहरे बीर में जाके जुम्मे की नमाज़ अदा करी है और फिर उसके बाद दोपहर के खाने के तौर पर बीफ पुलाव और अगर निहारी भी हो जाए, अगर एहसन भाई बोले मतलब कहें तो निहारी भी हो जाए तो फिर क्या ही बात होगी। और निहारी में सिंपल निहारी नहीं, नल्ली निहारी है, ये हम आपको बता दें। खैर, हम लोग फिलहाल जा रहे हैं, सब बाहर वेट कर रहे हैं, पहले जुम्मे की नमाज़ अदा करेंगे फिर उसके बाद क्या नाम है जल्द वहाँ पे जाएंगे। Ya man sallaita bi kullil anbiya Ya man fi qalbika rahmatul lin nas Ya man alafta quluban bil islam Ya habibi ya shafi'i ya rasulallah bi ummi wa abi fadaytuka sayyidi salatu wa salam alayka ya nabi habibi ya muhammad atayta bis salami wal huda muhammad habibi ya ya muhammad ya rahmatan lil alamin ya muhammad। फाइनली हमारे पास सारा सामान आ चुके हैं और वैसे तो इनके पास बीफ बिरयानी भी थी और बीफ पुलाव भी था और बीफ कौरमा भी था और निहारी भी थी, बट सबको पता है देखने वाले हैं कि मुझे पुलाव पसंद है और निहारी पसंद है।
तो फिलहाल हम लोगों ने पुलाव मंगवाया है और नहारी मंगवाई है, ठीक है। रही बात टेस्ट की, तो जमजमा मतलब बचपन से खाता हुआ बताया ना मैंने आपको, मतलब अलग ही लेवल है। और ये चीज़ अब इन्होंने नई चीज़ स्टार्ट की है, तो सबसे पहले मैं पुलाव से स्टार्ट करूँगा। नहीं है, लेट्स सी के कैसे ऐसा मैं पकड़ना है। एक बाइट में बताना तो मुश्किल है। जो आप लोगों को टेस्ट नहीं पता, मगर यकीन जानो दूसरे दिन के अंदर अभी पुलाव, उसके अलावा मोहम्मद ही नाम है, जबरदस्त कह रहा है, मोहम्मद ही नाम है ना, मदीना मदीना, एक उसका मुझे बहुत टेस्ट पसंद है, हद से ज़्यादा। अभी तक मैं उधर गया नहीं वीडियो बनाने के लिए, वहाँ पर भी जाने चाहना। और अब ये अगर उसका काफ़ी टाइम से नहीं खाया, उसको दोबारा खाऊंगा तो फिर डिसाइड कर सकते हो उन दोनों में नंबर वन पे कौन सा। बट दूसरे दिन के अंदर अब तक ये दूसरा टेस्ट, दूसरा बंदर इस पर ऐसा टेस्ट जा रही है, नो डाउट, बहुत मज़ेदार। नहारी बचपन से मैंने जहांगीर होटल की बहुत खाई है, सही है। और वह नली नहारी नहीं होती, वो नॉर्मल नहारी, पर मुझे वो भी बहुत पसंद है। और नहारी बात की जाए तो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसके अंदर जो गोश्त होता है वो बोनलेस होता है, और आपके भाई को ऐसा गोश्त बहुत पसंद है, तो उस हिसाब से तो बेहतरीन है। अच्छा भाई, हाँ हाँ भाई। इस बाइट से आपको पता चल गया होगा कि खाना किस हद तक एंड लेवल है, मतलब यकीन जानो उसके बाद जो आपके भाई का खाने का तरीका था वो तो दिखाने लायक ही नहीं था ना, क्योंकि नहारी एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसको अगर मोहब्बत के साथ खाओगे तो नहारी की तोहीन है। खैर, बात कर रहे हैं हम लोग जमजमा की, तो अगर आप गुस्से ईद के अंदर रहते हो और आपने जमजमा का बीज रोल नहीं खाया तो ये बताओ आप गुस्से ईद में रह क्यों। अगर आप कहते हो कि बीच रोल मुझे बहुत पसंद है और मैंने जमजमा का नहीं खाया, तो यार यकीन जानो मतलब तुम्हें गुस्से में रहने का हक नहीं है। खैर, फिलहाल क्या नाम है, जैसे मैंने वीडियो के अंदर जिक्र किया कि मुझे बीफ पुलाव एक और जगह का पसंद है, वहाँ का भी बहुत जल्द वीडियो बनाऊँगा, तो ये वीडियो इनका शेयर करो ताकि वो खुद ही फोन करके मिल जाए। बाकी देखते हैं कि सुंदर गाने को बाई होता है, फिर मिलते थे नेक्स्ट वीडियो में।